I would like to express third topic, money and credit. This age is economic age, no doubt. Each and every activity fully depends upon money. And we cannot easily do any type of work without the help of money. So it is the importance of money, and money is a medium. Money is a medium of exchange to all goods and services. Before money, the innovation of money, there was a very difficult system. That system was barter system, and men were faced so many difficulties, and at that time people had no more wants, just like in the comparison of today. Nowadays we have unlimited wants. So it is the most important thing, there must be a medium to exchange goods and services, and in this way it comes, that is money. Yani rupya paisa ka jab prachalan hua usse pehle vastu vinimay pranali thi, phir gold standard aaya, phir सिल्वर, फिर कॉपर, फिर अल्मोनियम, और आज जो है करेंसी नोट यानी कागजी नोट आदि का प्रचलन हो गया। एक लंबा इतिहास है, उसमें अलग से समय मिलने पर हम लोग डिटेल्स में चर्चा करेंगे, किंतु कुछ बच्चों ने आग्रह किया था कि मनी एंड क्रेडिट पर एक और क्लास हो जाता, कुछ बच्चे छूट भी रहे थे, तो मुझे लगा कि ठीक है इस पर थोड़ा और स्पष्ट हो जाना चाहिए। तो मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करे, मनी इज व्हाट मनी डज, यानी रुपया ही रुपया से कार्य करता है, रुपया ही रुपया को कमाता है, धन ही धन को कमाता है। और आज के समय में धन के चारों तरफ, मुद्रा के चारों तरफ विश्व की तमाम गतिविधियां कार्य करती है। यही कारण है कि हम लोग ऐसा कहते हैं कि आज के समय में धन के बिना, रुपया पैसा के बिना कोई कार्य करना असंभव है। और अब तो लोग ऐसा भी कहने लगे वर्तमान युग जो है वह अर्थ का युग है, अर्थ पर ही सब कुछ डिपेंड्स है, यानी रुपये पैसे पर ही सब कुछ निर्भर करता है। तो मनी को हम लोग समझ लिए। अब इसमें क्या है कि एक वर्ड आया है क्रेडिट, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है क्रेडिट। क्रेडिट को सामान्यतया हम लोग विश्वास के रूप में लेते हैं, और जिस व्यक्ति का के प्रति विश्वास पैदा हो जाता है तो उसके लिए दूसरे व्यक्ति, दूसरे संस्थान, संगठन कोई भी कार्य करने को, मतलब समर्पण करने को आतुर होता है। बट इट इज नेसेसरी टू देयर मस्ट बी द ट्रस्ट और द क्रेडिट, यानी बिना ट्रस्ट किए, बिना क्रेडिट का कोई भी कार्य इस रूप में नहीं हो सकता है। तो खास करके बैंकिंग सेक्टर्स में इसका बहुत प्रचलन होता है। तो हम लोग आज यानी कि क्रेडिट जो है इज द ट्रस्ट विच अलाउ वन पार्टी टू प्रोवाइड मनी और सर्विस, एनीबडी, कोई भी सामान, कोई भी वस्तु, कोई भी चीज, धन, ये बात सब कुछ के लिए, या एक्सचेंज करने के लिए, अदला बदली करने के लिए, एक दूसरे पर विश्वास रख करके इस प्रकार का ट्रांजैक्शन होता है एक निश्चित कालखंड के लिए, ठीक है ना। तो यही विश्वास है, और यदि विश्वास है तो सब कुछ है। आप लोग देखते होंगे कि कोई, बहुत से लोग ऐसा कहते हुए नजर आते हैं कि
हम अपनी बेटी की शादी किए कर रहे हैं किए हैं, हमारे पास में एक भी रुपया का 20 लाख रुपया खर्च हो गया, तो कहाँ से आया? तो निश्चित रूप से उस व्यक्ति का के प्रति औरों का विश्वास था कि हमको जिनको हम कुछ हेल्प करना चाहते हैं धन से या वस्तु से सामग्री से, तो वह है आज न कल निश्चित रूप से हमको एक निश्चित कालखंड में जरूर वापस कर देगा। इसी उम्मीद पर उनके सभी कार्य संपादित होते हैं। तो वही है विश्वास। तो बैंकिंग सिस्टम में ये क्रेडिट का बड़ा महत्व होता है, ठीक है ना। तो बैंक ऐसा वित्तीय संगठन है, ऐसी वित्तीय संस्था है जिसमें रुपये का लेन देन, अदला बदली आदि का कार्य होता है, ऋण लेने देने का कार्य होता है, जमा लेने का कार्य होता है। तो इस पर हम लोग चर्चा करेंगे कि इसमें क्या है कि बैंक के जो कार्य होते हैं इसी में आप देखेंगे कि क्रेडिट का क्या रोल होता है। तभी आपको पता चलेगा कि क्रेडिट का होना कितना आवश्यक है और यह क्यों इतना महत्वपूर्ण है उसके बारे में। तो बैंक के बारे में स्पष्ट हो गया कि बैंक ऐसा वित्तीय संस्था है, ऐसी वित्तीय संस्था है जिसमें रुपये को जमा किए जाते हैं, ऋण प्रदान किए जाते हैं और क्रेडिट क्रिएट किए जाते हैं। यही तीन इसके मुख्य कार्य हैं। एक क्या है, टू टेक डिपॉजिट, दूसरा है टू प्रोवाइड लोन और तीसरा है टू क्रिएट फंक्शन है बैंक का। ये गजब का ये इसमें इंपॉर्टेंस देखने को मिलता है। पहला कार्य याद रखेंगे, बैंक के पास में अपना कुछ नहीं होता है, एक भी पैसा नहीं होता है, समाज से जनता से आम पब्लिक से ही ये डिपॉजिट लेता है, जमा लेता है और जमा जो लेता है उसके बदले में बैंक उस डिपोजिटर को जो रुपये जमा करता है उसको डिपोजिटर कहा जाता है। तो डिपोजिटर को क्या करता है, विथ इंटरेस्ट वो लौटाता है और सुरक्षा की पूरी गारंटी रहती है, किसी प्रकार का संशय नहीं रहता है। यह भी एक प्रकार का विश्वास ही है कि हमने अपने रुपये को जमा किया है किसी जगह पर जाकर के, किसी बैंक में जाकर के, तो वास्तव में कि वो हो सकता है हिमालय के भाग जाए, ऐसा भी तो हो सकता है, लेकिन हम उस पर विश्वास करते हैं, आम जनता उस पर विश्वास करती है और इसी उम्मीद में कि जो रुपये जमा करते हैं उसमें और भी रुपया विथ इंटरेस्ट के साथ हमको मिलेगा, तो एडवांटेजेज है। तो पहला हुआ कार्य बैंक का, वो रुपया लेता है आम पब्लिक से, जनता से। दूसरा कार्य है वो रुपया अपने पास में नहीं रखता बल्कि क्या करता है, तो आम पब्लिक को वो ऋण देगा, क्योंकि बैंक को तो यह भी जवाब नहीं है ना कि जिन्होंने रुपया जमा किया है बैंक में उसको इंटरेस्ट के साथ लौटाना है एट एनी कॉस्ट। तो रुपया केवल रखा रहेगा बैंक में तो मुर्गी थोड़े है वो अंडा देते रहेगी, नहीं है, तो उस रुपये को वो फिर मार्केट में दौड़ाता है बैंक, जो ऋणी है जो लोन लेना चाहता है। आप सबको पता है व्यक्ति अपनी जमा राशि अपने आमदनी का कुछ निश्चित भाग किसी प्रकार से बचा करके अपने पास से जो रखता है उसी में से जो राशि होती है वो बैंक में जमा करता है। हजारों लाखों लाखों लोग
ऐसा होते हैं कि अपनी जमा का एक अपने आय का एक निश्चित परसेंट बैंक में जमा रखता है, और उसके कई कारण हैं, फिर मौका मिलेगा तो डिटेल उसमें बताएंगे, बहुत अच्छा टॉपिक है, और उस पर उसको इंटरेस्ट भी मिलता है। तो इसमें क्या होता है कि जिस प्रकार से हजारों लाखों लोग रुपये जमा करते हैं बैंक में, उसी प्रकार से हजारों लाखों लाख लोग ऐसे हैं कि वो ऋण लेने को भी उद्यत होते हैं, तो वही पैसा को बैंक क्या करता है, तो ऋण देता है आम नागरिक के बीच। उसके लिए टर्म्स कंडीशन है कैसे बैंक ऋण देता है, तो बैंक एश्योर हो जाता है कि कौन व्यक्ति किस प्रकार का है, वो ऋण देने के लायक है कि नहीं है, वो ऋण लौटा सकता है या नहीं लौटा सकता है, इन तमाम बातों को हम लोग आगे फिर चर्चा करेंगे। पूरा आश्वस्त होने के बाद बैंक उसको ऋण प्रदान करता है। याद रखेंगे उनके पास माना कि 1 करोड़ रुपया, इसको मैं मिटा देता हूं, माना कि 1 करोड़ रुपया ऋण बैंक के पास जमा आया, माना 1 करोड़ रुपया, तो वो 1 करोड़ रुपया वह क्या करेगा, सैकड़ा हजार 10,000,000,000,000 राइट, 1 करोड़ रुपया यदि बैंक के पास जमा आया है तो उसका एक सर्टेन परसेंट ही वह ऋण प्रदान करेगा, क्योंकि उनको डे टू डे ट्रांजैक्शन के लिए अपने पास रुपये भी रखने होते हैं। माना को 90 लाख 90 लाख उसमें से वो क्या करता है, तो लगा देता है ऋण में के रूप में दे देता है। ये 10 लाख जो है 10 लाख वो क्या करता है, अपने पास में रिजर्व रूप में रखता है डे टू डे ट्रांजैक्शन के लिए। अब इसको तो मार्केट में उपयोग में ले आया, यानी बैंक ऋण देता है, जमा लेता है 1 करोड़ रुपया, बैंक उस पर इंटरेस्ट देगा 1 करोड़ रुपया पर, डिपोजिटर को इंटरेस्ट के साथ लौटाएगा, बैंक ऋण देता है 90 लाख रुपया और 90 लाख रुपया पर उसको वो इंटरेस्ट लेगा, तो निश्चित रूप से ये जो डिपोजिटर होता है उसको माना कि वो 5% या 6% हुआ इंटरेस्ट, वो भी निर्भर करता है कि बैंक डिपोजिट किस प्रकार का हुआ, बैंक के प्रकार पर जमा के प्रकार पर बात करेंगे तो उस पर चर्चा करेंगे। यदि 5% या 6% पर बैंक ने डिपोजिटर को इंटरेस्ट दिया तो 8% से 9% तक वो ऋणी को जिसको लोन देता है उससे लेगा, यही दोनों के बीच का अंतर जो है उसका बैंक का प्रॉफिट पर, जिस प्रॉफिट पर बैंक क्या करता है कि जितने भी बैंकिंग सिस्टम है, मैनेजमेंट है, सैलरी है, स्टाफ वगैरह का, उस पर खर्च करता है, किंतु उतने कम अंतर पर, इतने व्यापक पैमाने पर और एक अच्छी खासी सैलरी राशि खर्च करना असंभव है। ऐसी स्थिति में प्रश्न उठता है कि आखिर आता कहां से है पैसा, तो वास्तव में ये तो बड़ा ये सुखद संयोग है कि दोबारा कोई बच्चा ने प्रश्न किया तो मुझे बोलने का मौका मिल गया है। अब देखिए यही पर प्रश्न उठता है, ये जो हमने थर्ड जो मेन पॉइंट है टू क्रिएट क्रेडिट, ये वाला फंक्शन देते हैं, यही क्रेडिट पर, तो बैंक क्या करता है, तो क्रेडिट क्रिएट करता है, ठीक है ना, तो ये क्रेडिट क्रिएट करना अकॉर्डिंग टू द बेसिस ऑफ देयर डिपॉजिट इन देयर अकाउंट्स, एवरी बैंक हैज कैपेसिटी अकॉर्डिंग टू देयर डिपॉजिट दे क्रिएट सम क्रेडिट्स। तो क्या है, वो केवल और केवल 90 लाख रुपया ही बैंक ऋणी को जो लोन लेना चाहता है उसको नहीं जमा, उसको नहीं प्रोवाइड करता है, बल्कि बैंक कम से कम अपने देश में लगभग 4 से 5 यानी 9 50 45 लगभग 5 करोड़ रुपया वो क्या करता है, इंटरेस्ट पर दे देता है, लोन प्रदान करता है। आपको भी आश्चर्य लगेगा कि भाई उनके पास 1 ही करोड़ रुपया जमा है तो 5 करोड़ रुपया लोन कैसे देगा, भाई साहब देगा कैसे,
अब इसके बारे में आप जरा जानिए कि बैंक कभी भी कैश अपने हाथ से हैंड टू हैंड नहीं देता। बैंक की यह सफल नीति है कि पहले बैंक जिस किसी को भी ऋण देता है उसको पहले आश्वस्त होता है कि वास्तव में वो परफेक्ट आदमी है, विश्वासी आदमी है, उसके पास अचल संपत्ति है या कुछ उस प्रकार की सामग्री है जिसके आधार पर उनको ऋण दिया जा सकता है, आश्वस्त हो जाता है। उसके बाद उनको कहता है कि आप खाता खोलाइए, आपके खाता में डालेंगे। खाता खुलाने के लिए कहेगा कि आप गारंटर लाइए जिसके अकाउंट में कुछ हैवी राशि हो। ये तमाम सारी बातों को, प्रक्रियाओं को बैंक पूरा करवाता है। जितने भी ऋणी होते हैं, जितने भी ऋण लेने वाले होते हैं उनसे कार्य करवाते हैं। तो इस प्रकार से अकाउंट खुलाने के बाद तब आगे की प्रक्रिया बैंक करता है सबके नाम पर। अगले दिन हम चर्चा करेंगे, संडे क्योंकि उतना कवर नहीं कर पाएगा, तो अगले दिन हम बताएंगे कि इस कैसे इसको 5 लाख 1 करोड़ से 5 करोड़ रुपया तक वो ऋण दे सकता है। इस पर आज की कक्षा में इतना ही, धन्यवाद।